रौनक स्टेज मोतबर उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहली मरतबा आपके दियार मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आली जनाब मेरे अजीज दोस्त कारी जुबैर अहमद साहब भोपाली बरकात हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत से महफिल का इनेकाद किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अमीन अहमद साहब नदवी दामद बरकात हूँ उस्ताद हदीस फिका दारुलूम गोधरा और आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब इमाम जामा मस्जिद हाजा, तमाम उलमाए कराम और भी स्टेज पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। कारी सरफराज अहमद साहब दामद बरकात हूँ, कारी अशफाक साहब दामद बरकात हूँ और तमाम उलमाए कराम जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। अल्लाह सलामत रखे सभी को। माशाल्लाह थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा के थोड़ा सा इको की रिपीट और दे दें, आवाज स्टेज पे कम है, अच्छी आ नहीं रही। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, दोस्तों माशाल्लाह। दोस्तों देखिए, दिल की आवाज जब दिल से मिलती है तो दूर तक पहुंचती है। मौलाना कुतुबुल्ला साहब नदवी अंकलेश्वर, वो अच्छे ताजिर भी है, अच्छे बिल्डर भी है, और जो मैंने ऐलान किया था कि अइम्मा को चुपके से वो हदिया पेश किया करते हैं, वो ज़ात उन्हीं की है। बहुत अच्छी काविश वो कर रहे हैं और इस तरह से ज़िला से निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की एक तहरीक चले और अकाबिर उलमा में ये बेदारी का माहौल पैदा हो लोगों के अंदर। मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ मौलाना कुतुबुल्ला साहब नदवी को कि माशाल्लाह अच्छी काविश है, अच्छे इकदाम आपके हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ताला आपके रोजी रोजगार में खूब बरकत अता। मुजाहिद भाई, अब मैं कह सकता हूँ प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि दाग अपना भी धुल गया यारों, दाग अपना भी धुल गया यारों, मेरा खाता भी खुल गया यारों। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले पहले जिस भाई ने भी दिया है अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अब यहाँ से मैं एक कलाम शुरू कर रहा हूँ पढ़ने के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसी आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुँचती रहेंगी मैं अपने अशआर आप तक पहुँचाता रहूँगा। एक कलाम जो फरमाइशी कलाम है जिसे हर प्रोग्राम में पढ़ना है वहाँ से शुरू करता हूँ। कारी जुबैर भोपाली साहब बदर खासर रहिला फरमाया एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मद मोहम्मद सुने दोस्तों, इस चैलेंज के साथ सुने के मजा नहीं आए तो पैसा वापस यार। जज़ाकअल्लाह के आ गए आ गए फरिश्तों के झुरमुटे, फरिश्तों के झुरमुट आ गए फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए फरिश्तों के झुरमुटे। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज़ कागज़ कलम चूमते हैं, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं। मैं सल्ले अला लिख दिया, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले आला लिख दिया है। माशाल्लाह फरिश्तों के झुरमुट,
देखिए मैंने क्या लिख दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कारी सरफराज साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साहब, दामत बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, बहुत शुक्रगुजार हूं, गुजार हूं। अल्लाह सलामत रखे, जजाक अल्लाह। अलैदा फरमाए कि आ गए फरिश्तों के झोर छोटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिस कोने में को ईसानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी, है वो जग से निराला हमारा नबी। आपको सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये है अशफाक बहराइची। बहुत शुक्रिया, हमको देगा प्याला हमारा नबी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैरन। आ गए हैं, अल्लाह सलामत रखे तमाम हज़रात को, अल्लाह सलामत रखे। क्या लिख दिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुलायदा फरमाए कि हाथ कागज़ हाथ कागज़ हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैं सल्ले आला लिख दिया है। इस कलाम का और हाजिर करूंगा, आवाज आपने कम कर दी, थोड़ा सा कम कर देते आप हजरत। असल में यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा ताकत महसूस हो रही है। हाँ, इको हल्का सा रिपीट कम कर दें ताकि आवाज समझ में आए, लेकिन आवाज बढ़ा दें, आवाज कम ना करें। मुलायदा फरमाए कि आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, अब नबी नाम कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अब कयामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलेमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलेमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हजरात को। एक कलाम के दो शेर मुजाहिद भाई मैं और हाजिर करता हूँ यहाँ से, बतौर खास मुलाहिदा फरमा लें। कारी जुबैर साहब, ये आपकी पसंदीदा नाते पाक है। मदीना के लिए लोग जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको अपने पाक घर की, अपने प्यारे हबीब के पाक रोजे की जियारत नसीब फरमाए। अब यहाँ से हजरत एक मेरी जो पसंदीदा कलाम है मेरा, मैं वो हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। जज़ाकअल्लाह कि मेरे खुदा, सुने दोस्तों, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए मुझे दिखा मुझे दिखा कि मदीना बस के घड़े के लिए मुझे बस के घड़ी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए अब वो शेर मुजाहिद भाई हाजिर करता है जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है उधर खास कारी साहब मुलायजा फरमाइएगा कि रसूल पाक से जा कर सबा ये कह देना रसूल पाक कैसे जा कर सबा ये कह देना कि मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना है मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना है कि दवा बगे मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना है कि दवा बगे मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मुझे ले चलो मदीना नहीं मालो सर तो क्या हम मैं गरीब हूँ यही ना है नहीं मालो सर तो क्या हम मैं गरीब हो ये ना मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना तू ही जाने बे मदीना तू ही जाने बे मदीना आका न टूट जाए इस दिल का अब गीना है आका न टूट जाए इस दिल का अब गीना अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहना रह जाऊं मैं कहना रह जाऊं मैं कहना रसूल कैसे जा करे सबा ये कह देना मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी तैबा की हाजिरी के लिए मौला मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए जिंदाबाद बहुत शुक्रिया अच्छा पढ़ दिया भाई जिंदाबाद बहुत शुक्रिया मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए मुझे पीछे से कोरस आ रहा था जी 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 वो कारी साहब दे रहे थे कारी अशफाक साहब दे रहे थे अशफाक को अशफाक ही दे सकता है माशाल्लाह एक मरतबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपको समझ में आ रहा है शेर कहे तो दूसरा कलाम पढ़ो इसलिए कि यूट्यूब पे ये कलाम इतने ज्यादा अपलोडेड है कि आप हजरात बहुत बार अशफाक भाई आप ये देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर मलिक ज्यादा मंजूर साहब एक जुमला कहा करते थे जी जी निजामत की दुनिया के किंग बल्कि अनवर जलालपुरी साहब भी उनके शागिर्द हुआ करते थे उमर कुरैशी साहब उनके शागिर्द हुआ करते थे दुनिया निजामत में उनकी कोई मिसाल नहीं तो वो ये एक जुमला कहा करते थे कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा मजमा रुमाल और टोपी उछाल के आपको दाद दे तो आप कामयाब हैं बल्कि चंद पढ़ी लिखी आंखों में चमक पैदा हो जाए तो समझ जाइए अशफाक बाबू कि आपके शायरी की मेराज हो गई तो ये पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है भाई हनीफ साहब कल्लू कालू हनीफ भाई कालू साहब ने फिर शोराए कराम को 500 रुपये से नवाजा है अल्लाह करे कि ये तसलसल फजर तक चलता रहे मैं दुआ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह
जज़ाकअल्लाह मुजाहिदा। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक शेर इस कलाम का कहे तो और पढ़ दो, नहीं तो दूसरा कलाम मुजाहिदा शुरू कर। जी है ना, कुरान वाला, कुरान वाला। अच्छा एक शेर इसमें बहुत खूबसूरत सा है, हाजिर करता हूँ हजरत कारी साहब, आपकी दुआएं चाहते हैं। मुलायदा फरमाएं कि रसूल पाक से जाके सबाए कहे देना, रसूल पाक से जाकर सबाए कहे देना, मैं बेकरार हूँ तैबा हाजिरी के लिए। बताइएगा अंधेरे टिक नहीं सकते, अल्लाह अल्लाह कि ऐसा नूर है ये, अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर है ये, नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते है, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते है, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते है, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते है, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते है, सरकार के आंखों के सरकार के आंखों के सरकार के आंखों के ठंडक है नमाजों में, सरकार के ठंडक है नमाजों में, क्या आप सीरत का उनवान नहीं पढ़ते हैं, उनवान नहीं पढ़ते हैं, उनवान नहीं पढ़ते हैं, अंधेरे टिकते नहीं सकते के ऐसा नो रे गए, कलाम पाक कलाम पाक कलाम पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए, कलाम पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए। अच्छा मशवरा है भाई, जिंदाबाद। कलाम पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए, मेरे खुदा मेरी आंखों की जिंदगी के लिए, मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब यहाँ से एक कलाम के एक मतला एक शेर में और हाजिर करता हूँ, बहुत प्यारा कलाम। बदर खास मुलाहिजा फरमाए, देखिएगा बड़े भाई ताबिश रेहान साहब भी तशरीफ फरमा फरमा, और अल्हम्दुलिल्लाह खूब दाद दे रहे हैं सभी शोराए किराम। आज पहली बार 2022 का पहला हादसा है ये, ताबिश भाई दुआ दे रहे हैं, अल्लाह 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 कबूल फरमाए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायदा फरमाए, मुजाहिद भाई मुलायदा फरमाएगा कि मेरा नात लिखना, सुने दोस्तों मेरा नात लिखना, मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना, भिका मांग गया है लिखना है लिखना मेरा ना के लिखना, भिका मांग गया है मेरा नात पढ़े ना, भिका मांग गया है मेरा ना के लिखना है लिखना मेरा ना के लिखना, पढ़े न
अरे लबों को मेरे, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, चूमते हैं फरिश्ते ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह दाविश भाई याद खूब दाद दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर इस कलाम का बहुत खूबसूरत साहिब बतौर खास हजरत मुलायदा फरमाइएगा। तमाम दुनिया वालों की अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं। एक मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है, अगर आप हजरात की भी तमन्ना मेरी तमन्ना से मिलती जुलती हो तो सुभान अल्लाह कहिएगा। बतौर खास मुलायदा फरमाएं, एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मेरा है ना ते लिखना है लिखना, मेरा है ना ते लिखना, और तमन्ना है महेश्वर, तमन्ना में तमन्ना है महेश्वर में आका से मेरे, तमन्ना है महेश्वर हो, तमन्ना है महेश्वर तो इस तरह हो, मुझे देख कर सबसे फरमाए आका के वो देखो मेरा भुला गया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देखो मेरा गुलाम आ गया है, अल्लाह इस बच्चे को अशफाक बहराइची बनाए। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर दुआ आपने अच्छी दी, लेकिन और अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। हाँ, इसको सच्चा दीन का दाई, दीन का शहदाई बनाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हजरात को। एक कलाम के चंद शेर पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई अशफाक, और जम के पढ़ो। अरे इधर इंशाल्लाह हम अकाउंट नंबर लिखा रहे हैं सबको, घबराइए। लिखाई। खालिद भाई की तरफ से जो है, खालिद ढान, ये 200 रुपये तमाम शोरा को दिए गए हैं। और यूसुफ क्या है, ये गोदर, गोदर 500 रुपये तमाम शायर को। और सलमान भाई की तरफ से 200 रुपये दिए गए हैं। इन तमाम भाइयों का हम इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि ऐसे भाई सुबह तक तैयार होते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि शोराए कराम को आइंदा जब फोन करेंगे हमारे अब्दुल सत्तार साहब, तो यकीन जानिए कि बगैर पेमेंट ही के दौड़े भाग आएंगे, कहेंगे इससे ज़्यादा वहाँ तो इस तरह से दिया जाता है मेहमान नवाजी। यकीन जानिए ये उनका उनका बड़कपन है, ये हौसला अफजाई है। मैं एक मरतबा फिर अपने शायरों से, अपनी बिरादरी के लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये जितने जवान और ये जितने भी लोग हैं हमारे बड़े जो है पैसे से ताउन करते हैं, इनका मकसद ये नहीं होता कि आप गुटखा खाइए और कुछ और खाइए, इनका मकसद ये होता है कि आप दूध पीजिए और कलेजे में ताकत पैदा कीजिए ताकि नाते रसूल आप अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त मेरे कबीले में इन तमाम चीज़ों से सब पाक है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अरे अता करे भाई,
माशाल्लाह बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। चार मिसरे यहाँ से मैं और हाजिर करता हूँ जो अभी इस वक्त की जरूरत है। चार मिसरे मुजाहिद भाई देखेगा मुलायदा करें हमारी काफी तादाद में मैंने सुना है माए बहने हमारी तशरीफ फरमा इस पूरे प्रोग्राम को देख रही है उनके हवाले से चार मिसरे बतौर खास मुजाहिद भाई हाजिर करता हूँ मुलायदा फरमाएं करें नवाजिश के जाने देने की ताब रखती है जान देने की ताब रखती है। चार मिसरे मुलायदा कीजिएगा के जाने देने जाने देने जाने देने जाने देने की ताब रखते हैं जुरअते इनकलाब रखते हैं जुरअते इनकलाब रखते हैं जुरअते इनकलाब रखते हैं बदनजर उनको छू नहीं सकती बदनजर उनको छू नहीं सकती जो बदन पर हिजाब रखते हैं जो दोस्तों अशफाक साहब माँ बहनों के हवाले जो एक अच्छा पैगाम एक अच्छा मैसेज आपने दिया जी। मैं भी अपनी माँ बहनों को चार मिसरे हवाले करना चाहता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में जितनी भी खूबियाँ हैं रिसालत माब में बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफ़ा इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में सब कुछ लिखा हुआ फिर पढ़ो यार इस शेर को सुभानअल्लाह। लेकिन यकीन मानिए आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अगर थोड़ी सी दाद आपकी मिल जाए तो हम लोगों को यकीन मानिए हौसला मिलता है थोड़ा सा सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग दाद इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ माहौल नहीं है आप अपना नंबर लिखा दीजिए एक आध हफ्ते के बाद फोन पे ही सुभानअल्लाह कह देंगे जी माशाल्लाह। मुलायदा फरमाए दोबारा हुक्म हो रहा है मुलायदा करें कि जान देने की ताब रखते हैं जुरअते इनकलाब रखते हैं जुरअते इनकलाब रखते हैं अरे बदनजर उनको छू नहीं सकते बदनजर उनको छू नहीं सकते जो बदन पर हिजाब रखते हैं जो बदन पर हिजाब रखते हैं जो बदन पर हिजाब रखते हैं माशाल्लाह। अब यहाँ से एक नज़्म के दो तीन शेर पढ़ूंगा और उसके बाद अपनी जगह लूंगा हाजिर करता हूँ मतलब बतौर खास मुलायदा फरमाएं के चल मदीने चल चल मदीना जाना चाहते हैं आप लोग एक मर्तबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मुलायदा फरमाएं के चल मदीने चले 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 खुद सुलझ जाएगी खुद सुलझ जाएगी अपनी सब उलझने चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले जिंदाबाद चल मदीने चले। क्यों लेके जा रहा हूँ सुने दोस्तों सुलमाए कराम की शिरकत चाहूंगा और ये बंद पहला मुलायदा फरमाए फरमाए ये सबसे गुंबद के साए में बैठेंगे चल सबसे गुंबद के साए में बैठे चल 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 जालियां अपनी पलकों से चूमेंगे चले सबसे गुंबद के साए में बैठेंगे चले जालियां
चाह लिया अपने पलकों से झूमेंगे चल चाह लिया अपने पलकों से झूमेंगे चल अरे अपनी आँखों से जन्नत को देखेंगे चल अपनी आँखों से जन्नत को देखेंगे चल अरे वो निकरोज पे मिलती है सब राहत चल भाई बाबा जिंदाबाद क्या अच्छा पढ़ दिया भाई जिंदाबाद बहुत शुक्रिया अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हजरात को मैं कराम बड़ी मोहब्बतों से इस कलाम को सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया अल्लाह सलामत रखे के चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले कलाम और हाजिर कर मुलायदा करें कि मिस्र क्या दोस्तों इस शेर को सुनिए क्या मुल्कों की वाट लगाया बंदे ने कि मिस्र तुर्की इराक और उमान क्या चीन पेरिस ये लंदन ये ईरान क्या मिस्र तुर्की इराक और उमान क्या चीन पेरिस ये लंदन ये ईरान क्या मिस्र तुर्की इराक और उमान क्या चीन पेरिस ये लंदन ये ईरान क्या उसके आगे ये अमेरिका जापान क्या अरे उसकी अजमत पर कुर्बान है जन्नत चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले चले चल मदीने चले चल मदीने चले एक बंद इस कलाम का और पढ़ देता हूँ दूसरे खास मुलाहिदा फरमाए 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 कि जिसकी गलियों में घूमे हैं शाहे उमम अल्लाह 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 जिसकी गलियों में घूमे हैं शाहे उमम जिसके जर्रों ने चुने नबी के कदम जिसकी गलियों में घूमे हैं शाहे उमम जिसके जर्रों ने चुने नबी के कदम अरे जिस खैरुल बशर का पसीना है जम जिसमें खैरुल बशर का पसीना है जम अरे उसकी मीठी को जाकर बदन पर मले चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले चल मदीने चले